नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको बीएड सेकंड ईयर का टॉपिक जो आपके सामने है पृष्ठ पोषण फीडबैक के बारे में बता रही हूँ। विद्यार्थियों, फीडबैक क्या होता है? बीएड सेकंड ईयर के छात्र होने के कारण आपको ये पता होना चाहिए फीडबैक क्या होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में भी ये चीज पढ़ी है और ना केवल थ्योरेटिकल पार्ट बल्कि प्रैक्टिकल पार्ट का भी एक हिस्सा माना जाता है फीडबैक। क्या होता है फीडबैक? फीडबैक का हमारे व्यवहार में, छात्र के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अधिगम, जो आपकी बुक है अधिगम के लिए आकलन, उसी की सेकंड यूनिट का पार्ट है पृष्ठ पोषण फीडबैक। फीडबैक मैन क्या होता है? किसी भी छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने का एक उपकरण माना जाता है कि किसी छात्र के व्यवहार में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, उसका एक उपकरण माना जाता है पृष्ठ पोषण फीडबैक। मतलब ये है किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र को उसके कार्य निष्पादन के बारे में समय समय पर सूचित करना, उसको बताना कि उसके अंदर क्या क्या कमियां हैं, वो कैसे कार्य कर रहा है और अच्छा काम कैसे कर सकता है, इन सब के बारे में बताना ही क्या कहलाता है पृष्ठ पोषण कहलाता है। आप जानते हैं, आपने कक्षा के वातावरण में भी ये चीज देखी होगी कि जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा होता है तो मौखिक रूप से कहता है। मान लो कोई बच्चा क्वेश्चन का आंसर देता है तो शिक्षक उसी समय तात्कालिक रूप से फीडबैक देता है, बहुत अच्छा। तो इससे क्या होता है, छात्र को मोटिवेशन मिलता है, छात्र को अभिप्रेरणा मिलती है और उसको ये पता चलता है कि जो शिक्षक ने उसको पढ़ाया है उसमें उसने कितना अर्न किया है, कितना उसे और अचीवमेंट करना है। ये पृष्ठ पोषण के माध्यम से, फीडबैक के माध्यम से छात्र सीख जाता है। तो पृष्ठ पोषण का मतलब है व्यवहार में परिवर्तन करने का एक उपकरण, और अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति को उसके कार्य निष्पादन के बारे में समय समय पर सूचित करना कि उसने क्या कार्य किया है, क्या कार्य किया है, कैसा कार्य किया है, क्या कार्य किया है, कैसा कार्य किया है, इसके बारे में उसको समय समय पर सूचित करना ही फीडबैक कहलाता है, पृष्ठ पोषण कहलाता है। अब आगे देखिए, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम फीडबैक को समझ सकते हैं। उसमें बर्टोल और मार्टिन की परिभाषा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राथमिक व्याख्यायित प्रतिक्रिया, जो फीड, मतलब ये है कि छात्र किसी प्रश्न का उत्तर दे रहा है और जो उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसके द्वारा उसके प्रति जो पहली व्याख्यायित प्रतिक्रिया होती है उसे ही फीडबैक के नाम से जाना जाता है। मान लो किसी छात्र ने कोई कार्य किया, उस कार्य को देखकर, उस कार्य को देखकर शिक्षक ने उसके प्रति पहली प्रतिक्रिया की, शिक्षक ने पहली प्रतिक्रिया की विद्यार्थियों, उसी को हम पृष्ठ पोषण कहते हैं। ये परिभाषा दी बर्टोल और मार्टिन साहब ने। उसके बाद देखिए, बोवी व अन्य ने भी फीडबैक की परिभाषा दी और कहा कि प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया, छात्र ने कार्य किया, शिक्षक ने अनुक्रिया की, क्या की विद्यार्थियों, शिक्षक ने अनुक्रिया की। तो छात्र प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया, जो प्रदाता को, जो भी कार्य कर रहा है, प्रदाता यहाँ पर छात्र है, प्राप्तकर्ता यहाँ पर शिक्षक है, शिक्षक द्वारा की गई अनुक्रिया जो छात्र को बताती है कि संप्रेषण को सामान्य रूप से प्राप्त किया जा रहा है,
आपने जो भी अनुक्रिया शिक्षक और छात्र के मध्य जो संवाद हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, छात्र सीख पा रहा है या नहीं सीख पा रहा है, ये बताता है आपका पृष्ठ पोषण। ये परिभाषा दी बोवी व अन्य ने। तो दो परिभाषाएं ध्यान रखना, बर्टोल और मार्टिन की, और दूसरी परिभाषा है बोवी व अन्य की। बर्टोल और मार्टिन ने कहा कि शिक्षक द्वारा प्राथमिक व्याख्यायित प्रतिक्रिया ही पृष्ठ पोषण कहलाती है। बोवी व अन्य ने कहा कि प्राप्तकर्ता द्वारा की गई अनुक्रिया जो प्रदाता को बताती है कि संप्रेषण को सामान्य रूप से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये बताने का कार्य करती है। कौन करती है? आपका पृष्ठ पोषण करता है। अब आता है पृष्ठ पोषण की विशेषताएं। पृष्ठ पोषण क्या है? आपने पढ़ा भी था आकलन। क्या पढ़ा था? आकलन। एक पढ़ा था मापन और एक पढ़ा था मूल्यांकन, जो मेरे आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया था। आकलन क्या है? आकलन समय समय पर छात्र के प्रति छात्र को बताना कि तुमने कितना अचीवमेंट किया है, कितनी मात्रा में किया है, उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है, वो आकलन है। और आकलन का ही एक भाग है क्या? पृष्ठ पोषण। तो ध्यान रखना, आकलन प्रारूप का एक भाग माना जाता है कौन? पृष्ठ पोषण। मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि किसी बच्चे ने 20 नंबर प्राप्त किए अंकों में, फिर 30 किए, फिर 40 किए, फिर 50 किए। उसके बाद हमने उसमें बताया कि उसका आकलन निष्पादन अच्छा रहा। तो आकलन निष्पादन अच्छा रहा ये बताना ही पृष्ठ पोषण कहलाता है। मान लो किसी छात्र के 20 नंबर आते हैं मैथ्स में, दूसरे सेमेस्टर में उसके 40 नंबर आते हैं, तो उसको देखकर हम उसका आकलन कर सकते हैं कि बच्चे का गणित का जो शैक्षिक उपलब्धि है वो पहले की तुलना में अच्छी रही है। हमने उसका आकलन किया, उसी आकलन का नाम है आपका पृष्ठ पोषण। तो आकलन प्रारूप का एक हिस्सा माना जाता है कौन? पृष्ठ पोषण। फिर है रचनात्मक होना। ध्यान रखना, आकलन में जो भी फीडबैक बालक को दिया जाता है, उस फीडबैक के आधार पर बालक आगे की रणनीति में सुधार करता है। समय समय पर उसको फीडबैक दिया जाता है ताकि वो अपने निर्णयों में, अपनी शैक्षिक उपलब्धियों में सुधार कर सके। तो यहाँ पर फीडबैक नकारात्मक नहीं होना चाहिए, फीडबैक हमेशा रचनात्मक होता है। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, उसमें रचनात्मक सुधार करने के लिए कक्षा वातावरण में फीडबैक दिया जाता है। तो ध्यान रखना, फीडबैक हमेशा रचनात्मक होता है। कैसा होता है? फीडबैक हमेशा रचनात्मक होता है। फिर है फीडबैक बार बार में दिया जाना भी यूजफुल नहीं होता है। फीडबैक एक निश्चित समय अंतराल में दिया जाना आवश्यक है ताकि छात्र निश्चित समय पर अगर दिया जाएगा फीडबैक तो उसकी वैल्यूएशन को समझेंगे, उसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान रखना, फीडबैक हमेशा निश्चित समय अंतराल में दिया जाना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, आकलन प्रारूप का एक भाग होता है। फिर आता है तात्कालिक रूप से प्रदान। मान लो बच्चे ने कक्षा में किसी भी प्रश्न का अच्छा उत्तर दिया, अच्छा उत्तर लिखा, बहुत अच्छा शैक्षिक निष्पादन कर रहा है, तो अगर हम उसे तात्कालिक रूप से उसका फीडबैक देते हैं कि उसमें कितना सुधार करना है, उसे कितना अच्छा किया है, उसे तात्कालिक रूप से अगर प्रदान करते हैं तो ही वो फीडबैक पृष्ठ पोषण प्रभावी होता है। उसके बाद होता है फीडबैक किसी भी व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। मान लो किसी टीचर को कोई छात्र पसंद है और आपने उसका फीडबैक अच्छा दे दिया तो वो गलत है। किसी भी व्यक्तिगत रूप से पृष्ठ पोषण नहीं दिया जाना चाहिए। तथ्यात्मक रूप से जो सही हो
उसी को जो सही हो न्यायोचित रूप से प्रश्न पोषण दिया जाता है तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पोषण आकलन प्रारूप का भाग होता है, प्रश्न पोषण रचनात्मक होता है, प्रश्न पोषण निश्चित समय अंतराल में दिया जाता है, प्रश्न पोषण तात्कालिक रूप से प्रदान किया जाता है और प्रश्न पोषण न्यायोचित रूप में दिया जाता है। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पोषण नहीं दिया जाता है। अब बात आती है प्रश्न पोषण के प्रकार, प्रश्न पोषण किन किन रूपों में दिया जा सकता है उसको हम इसमें समझते हैं। देखो, प्रश्न पोषण सबसे पहला है संरचनात्मक होता है। क्या होता है संरचनात्मक में? संरचनात्मक में छात्र से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाओं, विचारों, विषय केंद्रित और अवलोकन पर आधारित होता है। इसमें दोनों तरह की बात होती है, एक प्रशंसा भी होती है और आलोचना भी होती है। देखो विद्यार्थियों, रचनात्मक में क्या होता है? छात्र का अवलोकन होता है। क्या होता है? छात्र का अवलोकन होता है। छात्र के संबंध में विभिन्न प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठी की जाती है, विभिन्न प्रकार की सूचनाएं दी जाती है कि छात्र की कौन से विषय में किस प्रकार की उन्नति हुई, कौन सी गतिविधि में बालक अच्छा कर रहा है, इसके बारे में उसको सूचना दी जाती है। संरचनात्मक के दो पार्ट होते हैं, इसमें एक होता है प्रशंसा, एक होती है आलोचना। प्रशंसा और आलोचना दोनों ही व्यक्तिगत रूप पर आधारित नहीं होती है। किस पर आधारित नहीं होती है? व्यक्तिगत रूप पर आधारित नहीं होती है। ये किस पर आधारित होती है? तथ्यात्मक अवलोकन पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तथ्यात्मक अवलोकन पर आधारित होती है। तो ध्यान रखना, संरचनात्मक जो आपका प्रश्न पोषण है वो छात्र के बारे में विशिष्ट सूचनाएं देता है, विषय केंद्रित होता है, गतिविधियों से संबंधित केंद्रित सभी प्रकार की सूचनाएं छात्र को दी जाती है और छात्र को देने के संबंध में दो प्रकार की सूचनाओं में दो पार्ट होते हैं, दो रूपों में दी जाती है, एक प्रशंसा के रूप में और एक आलोचना के रूप में। प्रशंसा के रूप में जो दी जाती है और आलोचना के रूप में जो दी जाती है उसमें व्यक्तिगत पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। तथ्यात्मक रूप से छात्र का अवलोकन किया जाता है और उसे संरचनात्मक प्रश्न पोषण प्रदान किया जाता है। फिर आता है मौखिक, ये तो आप जानते ही है, मौखिक संप्रेषण तात्कालिक रूप से दिया जाता है। जो भी छात्र ने कक्षा वातावरण में किसी प्रश्न का उत्तर दिया है तो उसे उसी समय प्रश्न पोषण दिया जाता है। उसमें कहा जाता है कौन सी कहां पर कमी रह गई, कौन सी उसमें सुधार किया जा सकता है। और ध्यान रखना, मौखिक संप्रेषण के माध्यम से बार बार विद्यार्थी अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। जो तात्कालिक रूप से जो गलतियां की गई है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। तो मान के चलना, मौखिक संप्रेषण बहुत ज्यादा प्रभावशाली तभी होता है जब वो तात्कालिक रूप से दिया जाता है और तात्कालिक रूप से देने के बाद समय समय पर छात्र अपनी गलतियों में सुधार करने का प्रयास करता है। और ध्यान रखना, मौखिक संप्रेषण हमेशा धनात्मक रूप से ही दिया जाना चाहिए, ऋणात्मक फीडबैक नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऋणात्मक प्रश्न पोषण का छात्र के विचारों पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। फिर है लिखित संप्रेषण। कक्षा में की पूरी पाठ योजना करवाने के बाद शिक्षक के द्वारा छात्र को एक लिखित लेख दिया जाता है और इस लिखित लेख के माध्यम से छात्र की हर गतिविधि का अवलोकन शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि मौखिक संप्रेषण के माध्यम से हर प्रकार का अवलोकन छात्र का शिक्षक नहीं कर सकता, लेकिन लिखित फीडबैक के माध्यम से हर छात्र के बारे में हर प्रकार की सूचना शिक्षक को समय समय पर प्राप्त होती रहती है। व्यक्तिगत अवलोकन कभी भी कक्षा वातावरण में नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्तिगत प्रश्न पोषण हमेशा कक्षा के बाहर दिया जाना चाहिए। अगर किसी छात्र की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए,
समाधान करने के साथ साथ उसको फीडबैक दिया जाना चाहिए कि आगामी दिनों में किन किन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक्स में उनके उनको क्लियर करना है, उसमें सुधार करना है, किस चीज़ में वो बच्चा अच्छा कर रहा है, वो व्यक्तिगत रूप से भी उसको प्रश्न पोषण दिया जा सकता है। सामूहिक प्रश्न पोषण, सामूहिक प्रश्न पोषण में सबसे अच्छा धनात्मक होता है क्योंकि सामूहिक संप्रेषण में बालक अपनी गलतियों में तो सुधार करता ही है लेकिन गलतियों में सुधार करने के साथ साथ बहुत कुछ सीखता भी है। जैसे आपने देखा सहकारी अधिगम, सहकारी अधिगम में छात्र को विभिन्न प्रकार के का वातावरण दिया जाता है। वातावरण दिए जाने के बाद में उनको सामूहिक रूप से गलतियां बताई जाती है ताकि उन गलतियों से बालक बहुत कुछ सीख पाता है। तो आपने देखा जो आपका फीडबैक है वो संरचनात्मक भी होता है, मौखिक भी होता है, लिखित भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक रूप से भी प्रश्न पोषण प्रदान किया जा सकता है। तो आज आपने प्रश्न पोषण का अर्थ, परिभाषा, विशेषता और प्रकारों के बारे में डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम प्रश्न पोषण का महत्व, लाभ, सीमाएं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखना आप शिक्षाविद हैं और शिक्षाविद होने के नाते आपको पता होना चाहिए फीडबैक क्या होता है, कब दिया जाना चाहिए, फीडबैक का छात्र के ऊपर क्या असर पड़ता है और छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने में फीडबैक का क्या रोल है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये बीएड सेकेंड ईयर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आगामी दिनों में भी आपको इसी तरह से पढ़ने को मिलेगा। तो इसके लिए आपको मेरे स्टडी सर्कल चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस बनाते रहें। धन्यवाद।